देखिए, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस सेशन में हम लोग आपके साथ आज टैक्स इनवॉइस के रूल डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने अपनी लास्ट क्लास में टैक्स इनवॉइस का सेक्शन 32 भी कवर करा था, 33 भी कवर करा था और सेक्शन 34 भी कवर कर लिया था। आज हम आप लोगों के साथ टैक्स इनवॉइस के रूल डिस्कस करेंगे और फिर आज ही हमारा टैक्स इनवॉइस का टॉपिक फिनिश हो जाएगा। सर, क्या ये जरूरी है? क्या हम टैक्स इनवॉइस के रूल पढ़ें? क्या सेक्शन से कवर नहीं होगा? अगर आप चाहते हैं तो आप सेक्शन से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रूल पढ़ लेंगे तो आप ये श्योर हो जाएंगे कि आप इसका मतलब ये कह सकते हैं कि आप अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। हम इसलिए आपको सेक्शन भी पढ़ाते हैं और साथ साथ रूल भी कवर कराते हैं। कई बार कुछ चीजें सेक्शन में गिवन होती हैं, रूल में नहीं होती, इसलिए हम लोग आपको दोनों चीजें साथ साथ कराते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। टैक्स पहला रूल है 46, जो बताता है टैक्स इनवॉइस सब्जेक्ट टू रूल 54 आर टैक्स इनवॉइस रेफर्ड टू इन सेक्शन 31 शैल बी इश्यू बाय रजिस्टर्ड पर्सन कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर नेम। देखिए, उसने कहा है कि कोई भी बंदा जो सेक्शन 31 के अंदर आता है उसे टैक्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। हम उसको कोई फॉर्मेट नहीं बता रहे कि आप इस तरीके का अपना बिल का फॉर्मेट रखोगे। उसने कहा फॉर्मेट कुछ भी रखो, चाहे आप A5 पे निकालो, A6 पे प्रिंट आउट निकालो या A4 पर निकालो। दूसरी चीजें आपको ये भी याद रखनी है, हम आपसे नहीं पूछेंगे कि आपका फॉर्मेट का स्टाइल क्या है। हमें तो आपके बिल पर जो जो कंटेंट हमने बोले वो जरूर मेंशन होना चाहिए। सबसे पहले नेम, जो माल बेच रहा है उसका एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर आना चाहिए, ये पहली चीजें हैं। सबसे पहले उसका नाम, दूसरा उसका एड्रेस, तीसरा उसका जीएसटी नंबर। साथ साथ जो भी बंदा माल बेचे वो बंदा अपने बिल के ऊपर सीरियल नंबर मेंटेन करे, लेकिन वो बिल नंबर सीरियल नंबर कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 16 करेक्टर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और अगर तुम कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हो, क्या करते हो, अगर तुम कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हो तो आप डैश यूज कर सकते हो, स्लैश यूज कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर को आप यूज नहीं कर सकते। और सबसे यूनिक बात लिखी है, यूनिक फॉर फाइनेंशियल ईयर, वो हर ईयर से अलग होना चाहिए। मतलब अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 18-19, 19-20, तो इसका बिल नंबर अगर आप एक से स्टार्ट करोगे तो जब 19-20 आएगा तब भी वो कितने से स्टार्ट हो जाएगा, एक से। तो उसने कहा हर साल यूनिक रखना। तो इसलिए आप जब भी कहीं भी जॉब करो या आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि सीरियल नंबर अपने हिसाब से डिसाइड करने का, तो आप लोग इस तरीके से मेंटेन करना या टी लिख देना। टी का मतलब होगा टैक्स इनवॉइस, उसके बाद जोन सा ईयर, जैसे अभी 2021 आएगा तो 2021 और स्लैश जो भी नंबर हो वो यहाँ अपने आप आता रहे। तो इस तरीके से जब आप वाउचर नंबर बनाओगे तो हर साल आपका वाउचर नंबर अलग होगा। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप कहीं भी जॉब करें तो अपने बिल पर इन वो वाउचर नंबर के साथ साथ फाइनेंशियल ईयर भी जरूर मेंशन करें, ताकि आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है? आगे से आप कहीं भी जॉब करेंगे तो टी रखेंगे। टी का मतलब होता है टैक्स इनवॉइस। और मैं इसलिए लिख रहा हूँ, अगर आप चाहो तो अपनी कंपनी का नाम रख सकते हो, जैसे महक ट्रेडिंग कंपनी, तो MTC 2020/21। ठीक है, लेकिन अगर आप टी के साथ मेंशन करोगे तो वो क्या बताएगा? टैक्स इनवॉइस बताएगा। क्या बताएगा? टैक्स इनवॉइस। क्लियर है? उसके बाद आपकी डेट ऑफ इश्यू, जिस दिन आप उसका बिल बना रहे हो। दूसरा, अगर कोई आपसे बिल खरीद रहा है तो उसका नाम मेंशन करेंगे, उसका एड्रेस मेंशन करेंगे,
उसका गुड्स में जीएसटी नंबर होगा तो मेंशन करेंगे, ठीक है, और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा तो वो मेंशन करेंगे अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर वो क्या है रजिस्टर्ड। लेकिन हो सकता है कोई बंदा आपके पास आता है और वो रजिस्टर्ड ना हो, तो हो सकता है वो आपको अपना नाम बताए, हो सकता है वो आपको अपना एड्रेस बताए, हो सकता है वो क्या बता दे आपको, एड्रेस बताए, डिलीवरी बताए, सब कुछ बताए। अगर वो एड्रेस देता है तो आप डाल दोगे, और अगर एड्रेस नहीं देता तो आप उससे जिद नहीं करोगे कि सर आप अपना एड्रेस मुझे बताओ 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 बताओ, आप मत, वो नहीं बताएगा तो आप उससे जिद भी नहीं करोगे। लेकिन बस कंडीशन है कि जब वो अनरजिस्टर्ड तुमसे माल खरीदे तो माल की वैल्यू 50,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बस। इसका मतलब कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन आपके पास आता है और ये कहता है कि मुझे माल खरीदना है आपसे, आप कहना सर माल ले जाओ, माल में कोई दिक्कत नहीं है, माल ले जाओ आप हमसे, लेकिन अगर 50,000 रुपए से ज्यादा का होगा तो आपको अपना नंबर बताना पड़ेगा, अपना एड्रेस बताना पड़ेगा, क्लियर। तो सर एड्रेस देने में क्या दिक्कत है, एड्रेस तो दे सकता है, नहीं दे सकते, बहुत से लोग नहीं देते। मान लो मेरी एक स्टेशनरी की दुकान है, मेरे पास कोई गर्ल्स आती कहती सर मुझे कॉपी चाहिए, अब मैं कहता हूँ अपना नाम बताओ तो क्या बताएगी, हो सकता है मैं कहता हूँ एड्रेस बताओ तो बताएगी, कहता हूँ सर मुझे आपके बिल पर आपका फोन नंबर चाहिए, फोन नंबर बताओ तो क्या बताएगी, नहीं बताएगी। तो हमने गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर वैल्यू 50,000 रुपए से नीचे की है वो दे तो ठीक है, नहीं दे तो छोड़ देना। लेकिन अगर कोई तुमसे 50,000 रुपीज से ज्यादा का माल खरीदेगा तो तुम अपने बिल पर जरूर उसका नाम डालोगे, जरूर उसका एड्रेस डालोगे, और साथ साथ किस स्टेशन से आइए वो भी मेंशन करना कंपलसरी। और कॉमन सी बात है, अगर कोई 50,000 रुपए से ज्यादा का माल खरीदेगा तो डेफिनेटली वो एक बिजनेसमैन ही होगा। ऐसा बहुत कम होगा कि तुम आप कहीं गए और 50,000 रुपए की आइटम खरीद रहे हो, क्लियर है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला। और दूसरा, ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर आप जैसे बिहार जैसे एरिया में जाएं, तेलंगाना जैसे एरिया में जाएं, वेस्ट बंगाल में जाएं, आंध्र प्रदेश में जाएं, ये रूरल एरिया है, ये बैकवर्ड एरिया होते हैं, अगर इन एरिया में जाकर तुम रहते हो और दिल्ली से या किसी दूसरी सिटी से कोई माल खरीदते हो तो प्लीज अपने स्टेट का नाम उनसे अपने बिल पर जरूर मेंशन कराएं, जिसका टैक्स का पैसा तुम्हारे स्टेट को मिल जाए और धीरे धीरे तुम्हारा टैक्स क्या हो जाए, आगे ग्रो करने लगे, क्लियर है। दूसरा, आप अपने बिल पर जरूर क्या मेंशन करें, एचएसएन कोड, क्या मेंशन करें, एचएसएन कोड कि हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर, साथ साथ डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स कि तुम्हारा प्रोडक्ट किस क्वालिटी का, मतलब कैसा है, उसके बाद क्वांटिटी कितनी बेच रहे हो, साथ साथ उसके अंदर यूनिक क्वांटिटी कोड भी होना चाहिए, जैसे पीस है तो पीस होना चाहिए ऐसे, ठीक है, यहाँ पर आपका पीसीज आ जाएगा, ठीक है, एनओएसओ तो यहाँ एनओएस आ जाएगा, नंबर ऑफ सिस्टम, तो इस तरीके से यूनिक क्वांटिटी कोड भी होना चाहिए। दूसरा, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, और दोनों पर ऐसा ना हो कि गुड्स के लिए तुम अलग बिल बना रहे हो सर्विस के लिए अलग, दोनों एक ही में बना सकते हो। टैक्सेबल वैल्यू, साथ साथ बिल पर टैक्सेबल वैल्यू भी मेंशन होनी चाहिए, ठीक है, कितना डिस्काउंट दे रहे हो वो भी मेंशन होना चाहिए। टैक्स रेट मेंशन होने चाहिए कि सीजीएसटी कितना लग रहा है, जीएसटी कितना लग रहा है, आईजीएसटी कितना लग रहा है, यूटीजीएसटी कितना लग रहा है, क्लियर है। टोटल टैक्स चार्ज कितना करा है वो भी मेंशन होना चाहिए। प्लेस ऑफ सप्लाई, किस स्टेट में तुम माल बेच रहे हो ये भी मेंशन होना चाहिए, साथ साथ स्टेट का नाम मेंशन होना चाहिए, ठीक है, ये सब मेंशन होना चाहिए। अगर आपकी डिलीवरी दो लोगों में हो रही है, जैसे एड्रेस ऑफ डिलीवरी वेदर सेम इन डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ सप्लाई, तुम दिल्ली के हो मैं दिल्ली का हूं, ठीक है, तुमने मुझे ऑर्डर दिया और कहा कि मेरा माल यूपी भेज देना, मुझे ऑर्डर देके बोला मेरा माल कहाँ भेज देना, यूपी, तो मैं आपके नाम पर बिल बनाऊंगा लेकिन डिलीवरी किसके नाम पर कर दूंगा, यूपी, तो वो चीजें मुझे मेंशन करनी पड़ेगी। साथ साथ नीचे सिग्नेचर ऑफ डिजिटल सिग्नेचर ऑफ सप्लाई सप्लायर ऑफिस ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, आपके बिल के नीचे साइन होने चाहिए, क्या होने चाहिए आपके बिल के नीचे साइन होने चाहिए, ठीक है,
तभी हम इसको कंप्लीट मानेंगे। तो इसका मतलब बिल का फॉर्मेट आपका जैसा भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके बिल पर ये चीजें मेंशन होनी चाहिए। इसके बाद नीचे आ जाएं, इसके बाद नीचे लिखा है प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। फिर उसने कहा गवर्नमेंट ने कुछ चीजों के लिए नोटिफिकेशन इश्यू करी है। सर कैसी नोटिफिकेशन इश्यू करी है? लोगों के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफिकेशन इश्यू करी है। आपने एचएसएन कोड सुना होगा, क्या सुना होगा? एचएसएन कोड सुना, जिसकी फुल फॉर्म होती है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, होती है ना। लेकिन आपको पता होगा एचएसएन कोड, हर प्रोडक्ट का अलग एचएसएन कोड होता है, और ये टोटल मिलाकर 8 डिजिट्स का होता है। कितने अंकों का होता है? 8 का। लेकिन इसको हमने चैप्टर के हिसाब से बांटा है, फिर कैटेगरी के हिसाब से बांटा है, और फिर सब कैटेगरी के हिसाब से बांटा है। जैसे अभी हम बात करें, तुम मेरे पास आते हो, कहते हो सर मुझे लैपटॉप दे दो, तो मैं तुम्हें लैपटॉप ऐसे ही नहीं दूंगा। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी निकालूंगा, इलेक्ट्रॉनिक में लैपटॉप की कैटेगरी निकालूंगा, और उसके अंदर अगर कोई दूसरी एसेसरी होगी तो उसकी कोडिंग उसकी निकालूंगा। ठीक है, तो ये मेंशन है यहाँ पर लिखा है द नंबर ऑफ डिजिट्स हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड फॉर गुड्स और सर्विस डेट अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू मेंशन फॉर सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन दैट नोटिफिकेशन। द क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन दैट वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू मेंशन हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड फॉर गुड्स और सर्विस फॉर पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड सेंड नोटिफिकेशन। उसने एक नोटिफिकेशन निकाली थी। नोटिफिकेशन क्या थी, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। नोटिफिकेशन ये थी कुछ, नोटिफिकेशन आई थी हमारे पास जो गवर्नमेंट ने इश्यू करी थी, उस नोटिफिकेशन का नंबर था नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा था हम तुम्हें एचएसएन कोड पर रिलैक्सेशन देते हैं अगर तुम्हारा लास्ट ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है तो आपको एचएसएन कोड डालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सर जब आप ईवे बिल बनाते हैं तब तो मैंडेटरी होता है। हाँ जी बिल्कुल मैंडेटरी होता है, क्लियर है। तो याद रखना अगर तुम्हारा लास्ट ईयर का सेल, टर्नओवर को सेल बोलते हैं, ठीक है, 1.5 करोड़ रुपए से कम है तो आप लोग एलिजिबल हो क्या बनाने के लिए, मेंशन करने के लिए, एचएसएन कोड मेंशन करने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच में, तो तुम्हें स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स मेंशन करने। जैसे मेरा कोड है 9607449, तो स्टार्टिंग के 2 मेंशन करने। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आपको कितने मेंशन करने हैं? 4 डिजिट्स मेंशन करने। यही बात यहाँ लिखी है। लेकिन अगर मैं 8 करना चाहूँ तो मैं 8 भी कर सकता। सर ये गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट खाली इतना चाहती है कि हम तुम्हें रिलैक्सेशन दे सके। तुम छोटे हो तो तुम्हें मना कर दिया, तुम अगर मीडियम हो तो तुम्हें कहा 2 दे दो, तुम ज्यादा हैवी हो तो तुमसे 4 मांग। ये गवर्नमेंट चैप्टर वाइज मांगती है। जैसे मैं आपसे पूछूं आप रहते कहाँ, तो आप बोल दो कि सर आजाद नगर में रहता हूँ। फिर मैं आपसे नहीं पूछूंगा कौन से स्टेट में, क्योंकि मैं जानता हूँ आजाद नगर कहाँ पर। लेकिन मैं अगर तुम अगर दिल्ली से बाहर जाओ और तुमसे कोई पूछे आप कहाँ रहते हो, तो आप कहोगे सर दिल्ली में। मैं कहाँ रहता हूँ? आजाद नगर में रहता हूँ। लेकिन अगर तुम दिल्ली से या इंडिया से बाहर जाओ तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे? सर मैं इंडिया में रहता हूँ। फिर कहाँ रहते हो? सर दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में कहाँ रहते हो? सर आजाद नगर में रहता हूँ। तो आपने उसे क्लियर कराया ना कि मैं कौन सी जगह रहता हूँ। तो इसलिए गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि आप मुझे ये चीजें बता दो। क्लियर हो गया? आ जाए आगे। तो एचएसएन कोड को आपने क्लियर कर लिया, इसके बाद नेक्स्ट आ जाए, ठीक है। इसका लिखा है प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड फर्दर डेट
where invoice is required to be issued under clause F subsection 3 of section 31. आपको याद है section 31 subsection 3 और F, ये किसकी बात करता है? 3 तो बात करता है miscellaneous provision की, किसकी बात करता है? miscellaneous provision की, जिसके अंदर हमने सीखा था हमें receipt voucher बनाना है, payment voucher बनाना है और साथ साथ self invoice भी करनी है। तो ये बात कर रहा है section 9 subsection 3 की बात कर रहा है, जो किसके अंदर आती है? RCM के अंदर आती है। इसका मतलब अगर तुम लोग कोई RCM कैटेगरी के अंदर आते हो, ठीक है, और तुमने किसी अनरजिस्टर्ड से 5000 रुपए का माल खरीदा है, तो तुम्हें खुद बिल बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मान लो मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुम अनरजिस्टर्ड हो, और तुमसे 10 लाख का, और 10 लाख का नहीं 6000 का माल लेके जाता हूँ, तो तुम्हें तुम्हें तो नहीं बनाना, मुझे खुद क्या बनाना पड़ेगा? एक इनवॉइस, जिसको नाम क्या दूंगा मैं? सेल्फ इनवॉइस। क्या नाम दूंगा मैं? सेल्फ इनवॉइस के नाम से जानूंगा। क्लियर है? तो बस ये बात याद रखिए, प्रोवाइडेड फर्दर डेट वेयर एनी इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशू अंडर क्लोज एफ ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 31 अ रजिस्टर्ड पर्सन में इशू कंसोलिडेटेड, एक साथ बनाना, ऐसा नहीं तुमने एक ही दिन में, वन डे तुमने कब इसके पास 100 रुपए का सामान लिया, उसी दिन 200 रुपए का लिया, उसी दिन 300 रुपए का, उसने ना सबको जोड़ लेना, और अगर 5000 से ज्यादा हो तब कंसोलिडेटेड बिल बनाना, अदरवाइज आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? इतना समझ आ गया? आ जाए नीचे। इसके बाद लिखा है प्रोवाइडेड आल्सो डेट अ रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन सप्लायर इंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन एग्जीबिशन और सिनेमा सिनेमा घर फिल्म मल्टीपल स्क्रीन। जानते हैं आप भी कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसी जगह हो, किसी के एग्जीबिशन के लिए तुम पैसे लेते हो, या कोई आपका फेयर हो रहा है उसमें आप एडमिशन के लिए पैसा लेते हो, तो उस समय आपको टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना, उसकी जगह आप जो भी इशू करोगे उसे ही क्या मान लिया जाएगा? टैक्स इनवॉइस मान लिया जाएगा। देखो लिखा है द, क्या लिखा है? द रिसिपिएंट इज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन कंडीशन क्या है? रिसिपिएंट क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। और दूसरा, वो पर्सन किसकी डिमांड ना कर रहा हो? इनवॉइस की डिमांड नहीं कर रहा हो। तो तुम हर दिन क्या बना सकते हो? एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस बना सकते हो। शेल इशू कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस फॉर सच सप्लाई एट द क्लोज ऑफ ईच डे इन रिसीप्ट ऑफ ऑल सच सप्लाई। उसने कहा कि आपको बनाना तो हैगा, लेकिन आप रात को जाते वक्त बना सकते हो। अब तुम किसी मल्टीपल स्क्रीन में जाते हो जहां मूवी लगती है, एक एक हॉल में 10-10 मूवियां लगती हैं, तो उस केस में वो शाम को एक बिल बना सकेगा, लेकिन उससे पहले कोई बिल नहीं बनेगा, वरना वो परेशान हो जाए। इसके बाद यहाँ पर एक बात लिख दी गवर्नमेंट ने, क्या लिख दी? प्रोवाइडेड आल्सो, आ जाए नीचे, लिखा है प्रोवाइडेड आल्सो डेट द सिग्नेचर ऑफ डिजिटल डिजिटल सिग्नेचर ऑफ डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर और हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव शैल नॉट बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ इश्यूएंस ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। वो कह रहा है कि आपको जरूरी नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉनिक किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू निकाले, आप मैनुअली बनाकर भी निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक वर्ड ऐड करा है यहाँ पर, क्विक रिस्पॉन्स क्यूआर कोड। अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो 1 अप्रैल 2020 से आप लोग जो बिल निकालेंगे उसके बिल के टॉप पर आपका क्यूआर कोड आना कंपलसरी। जैसे अगर आप किसी को पेटीएम करते हैं, किसी को गूगल पे करते हैं, तो उस समय आप स्कैन करते हैं ना, वैसे ही गवर्नमेंट ने एक वर्ड ऐड करा है क्यूआर कोड, क्विक रिस्पॉन्स। मतलब जो तुम बिल बनाओगे वो जीएसटी की साइट से जाकर बनाओगे, फिर तुम किसी सॉफ्टवेयर की मदद नहीं लोगे, ठीक है, और बिल कहाँ से बनाओगे? पोर्टल से। लेकिन वो कब आएगा? 1 अप्रैल से। जब आएगा तब हम आपके साथ डिटेल कर लेंगे, अभी उसके लिए कोई भी बात यहाँ नहीं। फिर आपको एक वर्ड बताया था
रूल 46A जो बताता था इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। आपको याद होगा अगर एक बंदा टैक्सेबल गुड्स बेच रहा है और साथ साथ कौन से गुड्स बेच रहा है, एग्जेम्प्ट गुड्स बेच रहा है, तो वो टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं करेगा। वो क्या इश्यू करता है, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन रूल 46 और रूल 49 और रूल 54 वेयर रजिस्टर्ड पर्सन इज सप्लाइंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट गुड्स फॉर सर्विस और बोथ टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन अ सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई मे बी इश्यू फॉर सच सप्लाई। वो फिर किसके लिए क्या इश्यू करेगा, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई आ जाए। इसके बाद रूल 47 टाइम लिमिट फॉर इश्यूइंग टैक्स इनवॉइस कि क्या समय सीमा है आपके बिल को इश्यू करने के। गुड्स की तो बात आप जानते हो, या तो बिल बन जाए या डिलीवरी हो जाए या फिर अवेलेबल करा दे, इन तीनों में से जो पहले होगा तभी आपको बिल इश्यू करना पड़ेगा। लेकिन हमने सर्विस में पढ़ा था कि तुम किसी को सर्विस देते हो और वो सर्विस अगर वो सर्विस कंप्लीट हो जाने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको बिल इश्यू करना होता है, ठीक है। तो यही बात लिखिए, द इनवॉइस रेफर टू इन रूल 46 इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस शैल बी इश्यू विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डे ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। जिस दिन तुम्हारी सर्विस कंप्लीट हो उसके विद इन 30 डेज के अंदर अंदर तुम्हें क्या इश्यू कर देना है, इनवॉइस इश्यू कर देना है। लेकिन प्रोवाइडेड दैट वेयर द सप्लायर ऑफ सर्विस इज इश्यू इन अ बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी द पीरियड विद इन विच द इनवॉइस और एनी डॉक्यूमेंट इन लियू देयर ऑफ इज टू बी इश्यू शैल बी 45 डेज। कितने दिन में, 45 दिनों में आपको बिल क्या करना है, इश्यू करना करना है। और यही बात यहां पर लिखी हुई, क्लियर हो गया। तो कॉमन सी बात याद रखना, अगर आप नॉर्मल बंदे हो तो विद इन है। 30 डेज में, और अगर आप बैंकिंग नॉन बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो तो उस केस में कितनी समय सीमा है, 45 डेज। क्लियर है, इतना समझ आ गया। एक प्रोविजो लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ने प्रोवाइडेड फर्दर डेट इन इंश्योर बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और टेली टेलीकॉम ऑपरेटर और एनी अदर क्लास ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एज मे बी नोटिफाई गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन स्पेसिफाइड सेक्शन 25 में इश्यू इनवॉइस बिफोर और एट द टाइम ऑफ सच सप्लाई रिकॉर्ड द सेम इन इज बुक ऑफ अकाउंट और बिफोर द एक्सपायर ऑफ क्वार्टर ड्यूरिंग विच द सप्लाई वाज मेड। इसने कहा कि अगर तुमने कोई सर्विस अपनी ही बैंक की दूसरी ब्रांच को दी है, मैं दिल्ली का हूं और आप कहाँ के हो, यूपी के हो, मेरा भी बैंक आईसीआई है, आपका भी बैंक आईसीआई, हम दोनों एक ही बैंक है, लेकिन हमें गवर्नमेंट किस नाम से जानती है, डिस्टिंक्ट पर्सन के नाम से जानती है। अगर मैंने कोई डिस्टिंक्ट पर्सन को कोई सप्लाई दी है तो उसकी लास्ट डेट क्या आएगी, जो उस क्वार्टर की लास्ट डेट होगी वही क्या मानी जाएगी, आपकी लास्ट डेट मानी जाएगी। दूसरा यहाँ पर एक वर्ड यूज करा है, टेलीकॉम ऑपरेटर। क्या यूज करा है, टेलीकॉम ऑपरेटर। अगर आप टेलीकॉम ऑपरेटर हो तो उस केस में आपके लिए भी गवर्नमेंट ने 45 डेज रख दिए, क्योंकि अगर मैं बैंक के साथ कोई ट्रांजेक्शन करता हूँ, मान लो मैं जियो हूँ, अब जियो की कितनी ट्रांजेक्शन होती होगी, लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन होगी, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए कितने दिन के समय दे दिया, 45 दिन का समय दे दिया, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाए तो रूल 48 जो बताता है मैनर ऑफ इश्यूइंग इनवॉइस कि कब हमें कितनी कॉपी इश्यू करनी है। द इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन द फॉलोइंग मैनर। कह रहा है कि अगर तुम गुड्स बेचते हो तो उस केस में पहली कॉपी ओरिजिनल फॉर रिसिपिएंट के लिए होगी, मतलब आप जब भी बिल बनाओगे उसकी हमेशा कितनी कॉपी निकालना, 3, पहली
पहली किसको दे देना, रिसिपिएंट को, दूसरी किसको दे देना, ट्रांसपोर्टर को, ट्रांसपोर्ट और तीसरी किसके पास रहेगी, सप्लायर के पास रहेगी, हमारे पास रहेगी। लेकिन अगर आप बात करो किसकी, सर्विस की, तो ओरिजिनल रिसिपिएंट की हो जाएगी और डुप्लीकेट किसकी हो जाएगी, सप्लायर सप्लायर की हो जाएगी। तो ये बात हमेशा याद रखना, हमें तीन कॉपी इश्यू करनी चाहिए। पहली कॉपी होगी सप्लायर की, पहली होगी रिसिपिएंट के लिए गुड्स के केस में, दूसरी होगी ट्रांसपोर्टर के लिए, और डुप्लीकेट कॉपी होगी हमारे लिए। क्लियर है? द इनवॉइस शेल बी प्रिपेयर, और अगर सर्विस की बात है तो दो कॉपी। ये साथ साथ आप सभी द सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइस इश्यू ड्यूरिंग अ टैक्स पे शेल बी फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द कॉमन पोर्टल फ्रॉम GSTR1। और इन सबको किस पर दिखाना जरूरी है, जीएसटी जीएसटी आर वन पर। अगर कुछ लोग GSTR1 नहीं जानते तो बता दूं ये क्या होती है, सेल सेल होती है। क्या होती है ये, सेल। आ जाए रूल 49। देखो कितने छोटे छोटे रूल है, ये आपको पता होना चाहिए। बिल ऑफ सप्लाई जानते हैं, बिल ऑफ सप्लाई कौन इश्यू करता है, कंपोजिशन वाला पर्सन बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करता है। चलें, लिखा है बिल ऑफ सप्लाई रेफर टू इन क्लोज सी ऑफ सबसेक्शन 3 और सेक्शन 31 शेल बी इश्यू बाय द सप्लायर कंटेनिंग फॉलोइंग डिटेल। कॉमन सी बात लिखी, जो जो चीजें पहले बता के आया था वही सेम है, आप लोग पढ़ लेना, मुझे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? इसके बाद प्रोवाइड फर्दर दैट एनी टैक्स इनवॉइस और एनी अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट इश्यू अंडर अदर एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी नॉन टैक्सेबल सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज अ बिल ऑफ सप्लाई। अगर तुम टैक्स इनवॉइस के अलावा बिल ऑफ सप्लाई इश्यू कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा माल क्या होना चाहिए, नॉन टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगता। और अगर आप रजिस्टर्ड भी हो लेकिन आपका प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है, तो आप क्या इश्यू कर सकते हो, बिल ऑफ सप्लाई इश्यू कर कर सकते सकते हो, हैं। कोई दिक्कत नहीं। मैं रजिस्टर्ड हूं, मैं नॉर्मल व्यापारी हूं, लेकिन मैं दो तरह का प्रोडक्ट बेचता हूँ, एक बार टोटली टैक्सेबल प्रोडक्ट बेचा हूँ, एक बार टोटली एग्जाम प्रोडक्ट बेचा हूँ। तो गवर्नमेंट ने मुझे ऑप्शन दिया है, अगर टैक्सेबल है तो टैक्स इनवॉइस, और अगर नहीं है तो मैं टैक्स कम बिल ऑफ सप्लाई बना सकता हूँ, साथ साथ क्या बना सकता हूँ, खाली बिल ऑफ सप्लाई भी बना सकता हूँ। क्लियर है? इसके बाद आपको डिजिटली सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है। और अभी फ्यूचर में हम गवर्नमेंट के पास क्या ले आएंगे, QR कोड ले आएंगे, जिससे हम इसको आगे कर सकते हैं। रूल 50 जो बात करता है रिसीव वाउचर। आपको पता है अगर कोई बंदा आपको एडवांस पेमेंट देगा तो आप उसके लिए क्या बनाओगे, रिसीव वाउचर बनाओगे, और बाकी सारी चीजें अपनी चीज तो मेंशन करोगे, अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना GST, साथ साथ ये भी मेंशन करोगे कि तुम्हारा रिसीप्ट नंबर क्या है, डेट क्या है, जिसने तुम्हें पैसे दिए उसका नाम क्या है, कौन सा गुड्स है, अमाउंट एडवांस कितना अमाउंट मिला, उस पर कितना टैक्स रेट है, वगैरह वगैरह। ये इसके बाद आता है फिर रूल 51 जो बात करता है रिफंड वाउचर की। अगर तुमने किसी को एडवांस दिया, अब हो सकता है एडवांस के अगेंस्ट आप गुड्स भेज दो, लेकिन हो सकता है एडवांस के अगेंस्ट तुम उसको माल डिलीवरी ना कर पाओ, हो सकता है वो तुम उससे अपना व्यवहार खराब कर लो, हो सकता है तुम्हारी बात बिगड़ जाए, तो कोई भी रीजन हो सकता है जिससे तुम उससे क्या नहीं कर रहे, गुड्स नहीं ले रहे, या क्या नहीं कर रहे, तुम उससे सर्विस नहीं ले रहे, तो उसने जो तुमसे पैसे लिए होंगे उसके लिए वो क्या इश्यू करेगा, रिफंड वाउचर इश्यू करेगा। क्या इश्यू करेगा, रिफंड वाउचर इश्यू करेगा, मतलब जब तुमने मुझे एडवांस टैक्स दिया तो मैंने एडवांस टैक्स का पैसा किसको दे दिया, गवर्नमेंट को दे दिया। मान लो तुमने मुझे दिसंबर के मंथ पैसे दिए, जनवरी की रिटर्न मैंने उसको भर दिया, लेकिन तुम गुड्स मेरे पास फरवरी में लेने आए, और फरवरी में लेने आए तो आपकी मेरी बात बिगड़ गई, अब कहते मुझे आपसे काम नहीं करना, मेरे पैसे दो, तो उस केस में हमें क्या इशू करना पड़ेगा, रिफंड वाउचर इशू करना पड़ेगा। और वही चीजें रिफंड वाउचर पे चाहिए जो भी हमें रिसीव वाउचर पर चाहिए। इसके बाद पेमेंट वाउचर का भी इशू करते हैं। पेमेंट वाउचर इशू करते हैं सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लोज F जो बात करता है RCM की। अगर कोई बंदा RCM की सर्विस लेता है तो पहले वो क्या बनाएगा, सेल्फ इनवॉइस बनाएगा, और साथ साथ
इनवॉइस की पेमेंट भी करेगा। जब वो पेमेंट करेगा तो उसे क्या बनाना पड़ेगा, पेमेंट वाउचर, जिससे हमें ये पता चल जाए कि एक्चुअल में तुमने पेमेंट करी। इसलिए जब भी तुम किसी आरसीएम के अंदर किसी को पेमेंट करोगे तो आपको पेमेंट वाउचर बनाना कंपलसरी है। आ जाए इसके बाद अब आता है रूल 53, जो बात करता है रिवाइज टैक्स इनवॉइस एंड क्रेडिट और डेबिट नोट। आपको पता है रिवाइज इनवॉइस क्या होती है? मैंने 15-1 को जीएसटी अप्लाई करा, लेकिन वो मुझे 5-2 को जीएसटी नंबर मिला। इसके बीच में जो मैंने अपने कमर्शियल बिल बनाए होंगे, क्योंकि उस समय मैं टैक्स इनवॉइस तो बना नहीं सकता था ना, क्योंकि मेरे पास जीएसटी नंबर था ही नहीं, तो उस समय मैंने क्या बनाए, कमर्शियल इनवॉइस बनाए। लेकिन जीएसटी आने के बाद इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में जो भी बिल था उसकी मैं दोबारा क्या बनाऊंगा, रिवाइज टैक्स इनवॉइस बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, रिवाइज टैक्स इनवॉइस, और अपने बिल पर टॉप पर लिखूंगा क्या, रिवाइज टैक्स इनवॉइस। अगर डेबिट नोट होगा तो डेबिट नोट लिखूंगा, क्रेडिट नोट होगा तो क्या लिखूंगा, क्रेडिट क्रेडिट नोट। ठीक है, ये मेंशन करना है आपको। फिर अपना नाम मेंशन करना है, अपना एड्रेस मेंशन करना है, आपका जो भी बिल नंबर है वो मेंशन करना है, डेट मेंशन करना है। क्लियर है? ये बातें हमने जो आगे करी थी वो हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद कहता है कि अगर आपने डेबिट नोट बनाया है तो डेबिट नोट में भी तो सेम चीज है, आपका नाम होना जरूरी है पहले, आपका गुड जीएसटी नंबर होना जरूरी है, आपका एड्रेस होना जरूरी है, आपके बिल पर डेट होना जरूरी है, आपका वाउचर नंबर होना जरूरी है, पार्टी का नाम होना जरूरी है, ये चीजें हमसे मांगी गई हैं। क्लियर है? अब यहाँ एक वर्ड लिखा है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन विद इफेक्ट फ्रॉम द डे अर्लियर देन द डेट ऑफ इश्यूएंस सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन टू हिम में इश्यू रिवाइज टैक्स इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इफेक्ट ड्यूरिंग पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल द एंड ऑफ इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसने सिंपल सी बात कह दी, 15 से लेकर 5 के बीच में जब भी तुम्हें जीएसटी नंबर मिला है, इसके बीच में जितने बिल बनाए उसके लिए अब तुम टैक्स इनवॉइस नहीं बनाना, क्या बनाना, रिवाइज इनवॉइस। क्या बनाना, रिवाइज इनवॉइस बनाना। और अगर तुम रिवाइज इनवॉइस बनाओगे तो तुम कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस भी बना सकते हो। अब हुआ क्या, इस दौरान मैंने 50,000 बिल काट दिए, लेकिन छोटे छोटे थे, 100-100 रुपए के। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर 50,000 बिल बनाए और अगर तुमने सारा माल अनरजिस्टर्ड को बेचा तो तू 2.5 लाख तक अपने बिल को क्या कर सकता है, कंसोलिडेटेड कर सकता है। क्या कर सकता है, कंसोलिडेटेड कर सकता है। ठीक है, तो याद रखना, अगर मैं किसी को रिवाइज इनवॉइस इश्यू करूंगा और पार्टी अनरजिस्टर्ड है तो मैं सारे बिलों का टोटल कर देखूंगा, अगर वो 2.5 लाख से कम है तो ठीक है, और 2.5 लाख से कम नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात आ जाएगी, फिर हमें सिंगल सिंगल बिल इशू करना पड़ेगा। क्लियर है? यही बात यहाँ लिखी हुई है, प्रोवाइडेड फर्दर डेट इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई डज नॉट एक्सीड 22,50,000 द कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस मे बी इशू सेपरेटली इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रिसिपिएंट लोकेटेड इन स्टेट हु आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। याद रखना, जो रजिस्टर्ड नहीं है उसको, वो भी कितना, 2.5 लाख तक। क्लियर है? दूसरा, अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो हम सेक्शन 74, सेक्शन 129 और सेक्शन 130 के हिसाब से तुम्हारे ऊपर टैक्स लगाएंगे, और साथ साथ तुमने जो भी आईटीसी मांगा था वो भी हम डिनाइड कर देंगे, या तुमने जो आईटीसी लिया था वो आईटीसी हम क्या कर देंगे, वापसी कर लेंगे। क्या कर लेंगे, हम वापसी कर लेंगे। सेक्शन रूल 54 जो बात करता है इनवॉइस इन स्पेशल केसेस। आपको पता होगा इनवॉइस इन स्पेशल केसेस, आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो और अपने आईटीसी को लोगों को पास ऑन करना चाहते हो तो आप क्या बनाओगे, टैक्स इनवॉइस बनाओगे। उस पर सबसे पहले अपना एड्रेस लिखोगे, अपना नाम लिखोगे, अपना जीएसटी नंबर लिखोगे, साथ साथ तुम्हारा बिल नंबर क्या है वो भी लिखोगे, डेट लिखोगे, किसको कर रहे हो उसका नाम लिखोगे, कितना कर रहे हो ये बताओगे, और नीचे क्या कर दोगे, अपने सिग्नेचर कर दोगे।
लेकिन इसने एक कंडीशन यहाँ रख दी। क्या कंडीशन रख दी? कि उसका पैन कार्ड नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्लियर है? ये बात याद रखना। लिखा है प्रोवाइडेड दैट वेयर द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इन ऑफिस ऑफिस ऑफ बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी टैक्स इनवॉइस शैल इंक्लूड एनी डॉक्यूमेंट इन लियू देयर ऑफ बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड वेदर और नॉट सीरियली नंबर बट कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन एज मेंशन। कह रहा है अगर तुम बैंकिंग कंपनी हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, तो उस केस में आप अपने आईटीसी को पास ऑन कर सकते हैं, चाहे आप टैक्स इनवॉइस बनाओ या किसी और चीज बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पे वो चीजें मेंशन होनी चाहिए जो हमने अभी आपको बताई हैं। दूसरा, जब तुम आईटीसी किसी को पास ऑन करोगे तो आपका पैन नंबर सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं तुम्हारा यूपी में पैन अलग है और दिल्ली में अलग आ रहा है। अरे ये बात तो गलत हो गई ना, तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि पैन नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बस ये पढ़ लेना, बाकी सेम बात। आज यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, ये पढ़ लो ध्यान से, फिर हम स्टार्ट आगे चलते हैं। लिखा है वेयर द सप्लायर ऑफ टैक्सेबल सर्विस, ये रह गया शायद, द टैक्सेबल वैल्यू इन इन द वैल्यू इनवॉइस इश्यू अंडर क्लोज ए शैल बी द सेम एज द वैल्यू ऑफ कॉमन सर्विस। ठीक है, लेकिन वो कॉमन सर्विस के ही आईटीसी को पास ऑन करोगे, ये आईएसडी की बात कर रहा है। आप उन्हीं चीजों को आगे पास ऑन करना जो कॉमन हो, जो कॉमन नहीं हो उस आईटीसी आप पास ऑन नहीं कर सकते। ये हमने आईएसडी में पढ़ा था, अगर आपको डिटेल लेनी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद भी आता है वेयर द सप्लायर ऑफ टैक्सेबल सर्विस इज इंश्योर और बैंकिंग कंपनी और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल बैंक कंपनी द सेट सप्लायर में इश्यू अ कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन लियू देयर ऑफ बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विस मेड ड्यूरिंग अ मंथ एट द एंड ऑफ द मंथ वेदर इश्यू मेड अवेलेबल फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली वेदर और नॉट सीरियल नंबर एंड वेदर और नॉट कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट ऑफ टैक्सेबल सर्विस बट कंटेनिंग अदर डिटेल। कह रहा है कि अगर तुम बैंकिंग कंपनी हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या फिर नॉन बैंकिंग कंपनी हो, तो आप एक कंसोलिडेटेड बिल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लो मैंने बैंक के साथ महीने में 500 ट्रांजेक्शन करी और 500 का बैंक ने मुझे हर ट्रांजेक्शन पे 2 रुपए काटे, तो बैंक एक एक बिल इशू नहीं करेगी, इन सबको क्या कर देगी? कंसोलिडेटेड बिल बना देगी। आ जाओ यहाँ पर एक बात लिखी है जो ध्यान से पढ़ेंगे। वेयर द सप्लायर ऑफ टैक्सेबल सर्विस इज अ गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी सप्लाई सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अगर मैं ऐसे काम में लगा हूं, मैं ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले हूँ, आप कहते हो सर मेरा माल एक्स प्लेस से वाई प्लेस पर ले जाओ, तो मैं रेडी हूं, मैं ले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद रोड बाय गुड्स बाय रोड इन अ गुड्स कैरिज द सेट सप्लाई शेल इश्यू टैक्स इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन लियू देयर ऑफ बाय वट एवर नेम कॉल्ड कंटेनिंग ग्रॉस वेट। लेकिन अगर तुम माल लेके जाओगे तो उस पर क्या लिखना होना चाहिए? ग्रॉस वेट लिखा होना चाहिए, कितने किलो का माल है। साथ साथ कंसाइनमेंट किसके नेम से है, कंसाइनर कौन है, ठीक है, कंसाइनी का जीएसटी नंबर क्या है, गुड्स कैरिज क्या है, गुड्स आर ट्रांसपोर्ट डिटेल मेंशन होनी चाहिए, गुड्स ट्रांसपोर्ट डिटेल प्लेस मेंशन होना चाहिए, ओरिजिन कहाँ से चला है वो मेंशन होनी चाहिए, डेस्टिनेशन कहाँ जाएगा वो मेंशन होना चाहिए, और साथ साथ जीएसटी नंबर भी होना चाहिए। तो ये बात पूछ रहा है कि अगर तुम अपना बिल एक ट्रांसपोर्ट के थ्रू किसी दूसरे को भेजना चाहते हो, तो जब आप बिल बनाओगे अपनी इंफॉर्मेशन तो लिखोगे लिखोगे, सामने वाले की भी इंफॉर्मेशन लिखना जरूरी, जैसे उसका नाम, जैसे उसका एड्रेस, जैसे उसका प्लेस, ये सब आपको लिखना है। लेकिन अगर यही बात हो पैसेंजर सर्विस की, क्या लिखा है, वेयर
सप्लायर ऑफ टैक्सेबल सर्विस इज सप्लाइंग पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, अ टैक्सेबल इनवॉइस शैल इंक्लूड टिकट टिकट एनी फॉर्म बाय वट एवर नेम कॉल्ड, वेदर और नॉट सीरियल नंबर एंड वेदर और नॉट कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस बट कंटेनिंग अदर इंफॉर्मेशन एज मेंशन अंडर रूल 46। उसने कहा कि अगर तुम ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हो लेकिन पैसेंजर को ले जाने और लाने का जो आप उसे टिकट दोगे उस पर अगर टैक्स इनवॉइस नहीं लिखा हो तो भी चलेगा, रिसिपिएंट का नाम नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर आप दिल्ली से मतलब शाहदरा से लक्ष्मी नगर जा रहे हो तो आपको जो टिकट मिलेगा वही आपके लिए क्या बन जाएगा, टैक्स इनवॉइस बन जाएगा। क्लियर है? बाकी आप आगे पढ़ लेना, आप सब जानते हैं। इसके बाद नीचे आ जाओ, लास्ट रूल है रूल 55, जो बात करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विदाउट इश्यू ऑफ इनवॉइस। कह रहा है इस केस में आपको बिल इश्यू करने की आवश्यकता नहीं है। किन किन केस में सर? सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस वेयर द क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ रिमूवल फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द सप्लाई इज नॉट नोन। तुम्हें बिल उस समय नहीं बनाना अगर तुम लिक्विड गैस ले जा रहे हो एक्स प्लेस से वाई प्लेस पर, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता माल खरीदने वाला कौन है। होता है ना कई बार आपने देखा होगा आपकी गली में कोई कोई लोग वो लेके आते हैं सामान, हाथ में लाते हैं, कंधे पर लाते हैं और आवाज लगाते हैं, लेकिन क्या जब वो माल लेके निकलते हैं घरों से क्या उनको पता होता है कि मुझसे माल खरीदने वाला कौन है? नहीं पता होता ना, तो उस केस में वो इनवॉइस नहीं बनाएंगे। हाँ, लेकिन जहां माल बिकता जाएगा वहां वहां इनवॉइस बनाकर वो देते रहेंगे। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क। अगर तुम अपना माल ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जा रहे हो जॉब वर्क के लिए, तब भी आपको टैक्स इनवॉइस नहीं बनाना, तब क्या बनाना है आपको? डिलीवरी चालान बनाना है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर रीजन अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई। अगर आप गुड्स के अलावा कोई और चीज बेच रहे हो तो आपको रीजन बताना पड़ेगा। क्या लिखा है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर रीजन अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई। क्लियर? इसके सच अदर सप्लाई एज मे बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड। इसके बाद कुछ ऐसी सप्लाई है जो बोर्ड क्या करेगा, नोटिफाई करेगा। आप मुझे बताओ अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट या हमारी इंडिया का सबसे बड़ा बैंक जिसे आप क्या बोलते हो, आरबीआई बोलते हो, अगर आरबीआई वाला अपनी करेंसी को करेंसी को लेकर जाएगा एक्स प्लेस से वाई प्लेस पर, क्या उसको बनाना पड़ेगा, क्या आपको ईवे बिल बनाना पड़ेगा उसको, या उसको इनवॉइस बनाना पड़ेगा? वो बताएगा किस ट्रांसपोर्ट से माल लेके जा रहा है? नहीं ना, तो उस केस में आपको इनवॉइस बनाने की आवश्यकता नहीं है। साथ साथ आप जब इनवॉइस के अगेंस्ट डिलीवरी चालान बनाओगे तो बाकी सब लिखोगे, क्या लिखोगे? सबसे पहले ये लिखोगे तुमसे माल खरीदने वाला कौन है, मतलब तुम किसके पास माल बेच रहे हो, ठीक है। साथ साथ डेट एंड नंबर मेंशन करोगे, अगर आपका जीएसटी नंबर है तो वो मेंशन करोगे, एड्रेस मेंशन करोगे, एचएसएन कोड मेंशन करोगे, क्वांटिटी मेंशन करोगे, टैक्सेबल वैल्यू मेंशन करोगे, सीजीएसटी एसजीएसटी मेंशन करोगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन करोगे, और क्या मेंशन करोगे, सिग्नेचर भी मेंशन करोगे। और ओरिजिनल किसके लिए रखोगे, कंसाइनिंग के लिए। डुप्लीकेट किसके लिए रखोगे, ट्रांसपोर्टर के लिए। और ट्रिप्लीकेट किसके लिए रखोगे, अपने पास। और साथ साथ रूल 138 में उसके लिए क्या बनाओगे, ईवे बिल भी बनाओगे। क्या बनाओगे उसके लिए? ईवे बिल भी बनाओगे। क्लियर है? याद रखना अगर आप माल चलान के थ्रू भेजे तो आपको ईवे बिल बनाना कंपलसरी हो जाएगा। क्लियर है? तो बाकी चीजें तो कॉमन है, आप लोग पढ़ लेना। आज हम अपने इस टैक्स इनवॉइस के टॉपिक को फिनिश करते हैं और कल के साथ हम आपके टॉपिक को अगेन स्टार्ट करेंगे एक नए सिरे से, ठीक है। तो बस हम वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।